बाज अगर कुछ दिनों के लिए हवा में उड़ान भरना छोड़ दे तो कबूतरों को लगता है कि पूरा आसमान उन्हीं का है। जी हां, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स टॉक पर। मैं हूं शशांक और आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के महाघमासान की। जी हां, पाकिस्तान की टीम भी सुपर फोर में क्वालिफाई कर गई है। भारत की टीम पहले ही क्वालिफाई कर गई थी और अब भारत बनाम पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो 4 तारीख को सुपर संडे के दिन खेला जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से हांगकांग को हराने में कामयाब हुआ है, क्या भारत के खिलाफ वो हो पाएगा? लगता तो नहीं है हमें, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम इस समय फॉर्म में है वो पाकिस्तान के अब बूते की बात नजर नहीं आ रही। हालांकि एक चीज है, दोनों टीमों में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के काफी शानदार अंदाज में खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अब फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं। हांगकांग के खिलाफ में जिस तरीके से फखर जमान ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से हांगकांग के खिलाफ में मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी करके दिखाई है, तो ये दिखाता हुआ और खास करके खुशदिल शाह की बल्लेबाजी देखेंगे नंबर 4 पर, तो इससे पाकिस्तान का टॉप 4 भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहा है। भारत की बात करें, विराट कोहली यानी कि किंग कोहली हमारे अब लय में लौटते नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के क्या ही कहने, उनका तो सूरज हमेशा चमकता ही रहता है। और उसके अलावा नीचे हार्दिक पांड्या तो हमारे पास में है, डीके भी हमारे पास में मौजूद है। तो अब बल्लेबाजी बनाम बल्लेबाजी और गेंदबाजी बनाम गेंदबाजी होगा और एक बार फिर से पाकिस्तान पटखनी खाने को तैयार बैठा होगा। लेकिन कई बातें होती हैं, भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक देखें कुल 14 एडिशन एशिया कप के हुए हैं लेकिन आज तक भारत पाकिस्तान का फाइनल नहीं हो पाया है। तो क्या ये 15वें एडिशन में पहली बार ऐसा होगा कि भारत पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे या फिर से कुछ सरप्राइज होगा? क्योंकि सुपर फोर के मुकाबलों को अगर आप देखें तो सुपर फोर में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ये 4 टीमें हैं। भारत को हर एक दिन के अंतराल पर 4 तारीख से मैच खेलना होगा, 4 को पाकिस्तान से, 6 को अफगानिस्तान से, 8 तारीख को श्रीलंका से खेलना है और ऐसे में तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि विराट कोहली का लय में आ जाना, विराट कोहली का फॉर्म में आना। और विराट कोहली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स टॉक ने ऑलरेडी आपको बताया था जब उन्होंने 35 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी कि भाई ये विराट कोहली कुछ अलग विराट कोहली नजर आ रहा है। ये वही विराट कोहली है जो पुराने दिनों में अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते थे, अपने लगातार फोकस के लिए जाने जाते थे और ये विराट कोहली नजर आ रहे हैं। और हमने कहा था कि ये विराट कोहली ही आगे चलकर रन बनाते नजर आएंगे और 59 रन बनाए अगले मैच 44 गेंदों में, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के भी उनकी पारी में शामिल रहे थे। तो ये एक बड़ा इशारा है विराट कोहली के फॉर्म में आने का। और जो भी लोग पाकिस्तान मीडिया में या पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर्स विराट कोहली पर उंगली खड़ी कर रहे हैं, उनको यह भूलना नहीं चाहिए कि आप एक उंगली इधर खड़ी करोगे 4 आपकी तरफ घूम जाती हैं। यानी कि आप एक बात हमेशा मान के रख लेना कि कहीं ना कहीं विराट कोहली पर आप अगर लगातार उनको उकसा रहे हैं, ये हमारे ऊपर आप एहसान कर रहे हैं। जी हां, हमारे ऊपर एहसान इसलिए कर रहे हैं कि विराट कोहली को अभी तक किसी ने उकसाया नहीं था और अब विराट कोहली यानी द किंग कोहली जो है वो वापस आ चुके हैं। आप माने या ना माने, आपके माने ना माने से कुछ होता तो है नहीं। वैसे भी अगर देखें तो पाकिस्तान में लगातार बातें कही जा रही हैं। आप सोचे जरा, भारतीय क्रिकेट के कप्तान के ऊपर में तंज कसे जा रहे हैं मोहम्मद हफीज के द्वारा। आप सबने सुना होगा वो कह रहे हैं कि यार ऐसे चेहरा बना रहे थे, वैसे बना रहे थे, बड़े टेंस नजर आ रहे थे। क्या कोई खिलाड़ी जो है, कप्तान जो है, एक छोटी सी टीम के खिलाफ में सोच नहीं सकता कि आपकी गेंदबाजी कहां खराब हुई है, नहीं हुई है? स्पोर्ट्स टॉक ने ऑलरेडी बताया कि कैसे रोहित शर्मा ने कहा भी आकर के बाद में कि हमारी सेकंड हाफ की जो गेंदबाजी थी वो अच्छी नहीं हुई। तो ये क्या कोई सोच नहीं सकता क्या? इसके बारे में सोचना क्या गुनाह हो गया? यानी कि जब बड़ी टीमों से खेलेंगे तभी हम सोचेंगे, या आपको लगता है कि नहीं छोटी टीमों के खिलाफ तो सोचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जाइए खेलिए? तो फिर जब अगर ऐसे हालात होंगे, यही सोच सोच के तो पिछली बार एशिया कप में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया, जब उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि अरे क्या सोचना छोटी टीमों के खिलाफ में, तो आपको बांग्लादेश भी पीट गई, अफगानिस्तान भी पीट गई। इसीलिए जरूरी है कि आप समय रहते बिल्कुल सोचें, रणनीति तैयार करें, खेल भर ले छोटी टीमों के खिलाफ आप रहे हो, लेकिन आपकी जो रणनीति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप देखें तो बेहतर हो सकता है अगर भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम आपस में जब भिड़ेंगी इस बार, तो इस बार 4 तारीख का मुकाबला जबरदस्त होगा। हम इंडियंस हैं, हम तैयार बैठे हैं इस बार पाकिस्तान को फिर से मात देने के लिए। हार्दिक पांड्या वापस टीम के अंदर में आ जाएंगे, जडेजा नहीं हुए तो क्या हुआ, अक्षर पटेल की वापसी हो रही है टीम के अंदर में और वो भी वैसा ही रुख अख्तियार करेंगे जैसा कि हमारे लिए जडेजा करते नजर आए थे पहले मुकाबले में पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो ये एक और बात होगी। दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान मीडिया में मैं देख रहा था लगातार लोग कह रहे हैं विराट के अंदर ये है, विराट के अंदर वो है, विराट ऐसा, विराट वैसा। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अब सदमा पहुंचता नजर आ रहा है। विराट कोहली जैसे जैसे रन बना रहे हैं वैसे वैसे इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर्स को, जो पाकिस्तानी मीडिया है, उनके सर पे ना अब खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। खौफ का बादल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनको डर है कि विराट कोहली के पास अभी भी 4 मौके हैं, 2 मैच में बल्लेबाजी हुई है और ये रन जो बन रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहे हैं, स्ट्राइक रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले मैच में आपको याद होगा स्ट्राइक रेट जो था वो 98 102 का था,
34 से बॉल में 35 बनाए थे और उसके बाद दूसरे मैच में 44 में 59 हो गया और स्ट्राइक रेट 134 के ऊपर चला गया। यानी कि हो सकता है अगले मैच में रन भी बढ़ जाए, स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाए, और ये विराट कोहली को करना बड़े अच्छे से आता है। विराट कोहली को साबित करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में हम सब परेशान थे कि विराट कोहली का फॉर्म कब आएगा। लेकिन जब स्पोर्ट्स टॉक ने कहा कि विराट का फॉर्म आने वाला है, आ रहा है, बहुत लोगों ने ये बात कही कि कैसे बात कर रहे हैं सर, आपने तो कहा था इससे पहले 70-75 भी पारियां उन्होंने खेली हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये फॉर्म आ गया है। लेकिन वो एटीट्यूड, ये उनका जो कहते ना आंखें देखकर आप बता सकते हैं किसी का कि वो सच्चा है झूठा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, लेकिन वो उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ 35 की पारी में ही बता दिया था कि वाकई में एक बेहतरीन पारी आने वाली है। तो 59 की पारी भले छोटी टीम के खिलाफ आई हो, लेकिन आप ये ना भूलें कि विराट कोहली के लिए कोई छोटी टीम कोई बड़ी टीम नहीं है। जब उनका बल्ला चलता है तो बेहतर चलता है, काफी अच्छा चलता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा मोहम्मद हफीज साहब को, अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर सुनिए। आपने कहा कि रोहित शर्मा जो है वो बड़े टेंशन में नजर आते हैं, और वो जो शुरू में मैंने दो पंक्तियां जो बोली ना, एक पंक्ति जो मैंने बोली शुरू में कि जब बाज हवा में उड़ान भरना छोड़ देता है ना कुछ दिनों के लिए, तो कबूतरों को लगता है कि पूरा आसमान बाकी है, लेकिन उनको ये भूल जाता है जब बाज आसमान में उड़ान भरता है सारे के सारे पंछी नीचे ही उसके रहते हैं, वही राज करता आसमान पे। तो रोहित शर्मा वो बाज हैं जिनके नीचे ही आपके सारे खिलाड़ी नजर आते हैं। रोहित शर्मा से बराबरी करने की तो सोचिएगा ही मत। हमारे पास ऐसे ऐसे नगीने हैं, ऐसे ऐसे बाज हैं जो अकेले दम पर आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास हार्दिक पांड्या है जिसने अकेले दम पर आपको धाराशाही कर दिया पहले मैच में, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली हमारे पास एक और बाज है, किंग कोहली के नाम से मशहूर है। रोहित शर्मा हमारे पास में है, वो तो शुक्र मनाइए कि ऋषभ पंत का थोड़ा सा फॉर्म डिगा हुआ था और इसलिए टीम कंपोजिशन में टीम कॉम्बिनेशन बनाने के वक्त में ऋषभ पंत को नहीं खिलाया गया। अदरवाइज आप बता दें पंत अगर आ गए टीम के अंदर में तो आपके मोहम्मद नवाज और शादाब खान दोनों की खैर नहीं है। याद होगा वर्ल्ड कप में कैसे शादाब खान को छक्के लगाए थे ऋषभ पंत ने। तो लेकिन अभी टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है, बनाया जा रहा है, और आपके खिलाफ अच्छे से टीम कॉम्बिनेशन बनेगा और फिर से भारतीय टीम की फतेह होगी और भारतीय टीम एक बार फिर से तिरंगा झंडा जो भारतीय प्रशंसक लहराएंगे मैदान में दुबई में, भारतीय टीम उनको निराश नहीं करेगी, जीतेगी। और उसके बाद 11 तारीख को अगर आप आ गए फाइनल में हमारे साथ में तो फिर आप हारेंगे, यह भी वादा है स्पोर्ट्स टॉक का, यह भी तय है, क्योंकि भारतीय टीम जो है अब कॉम्बिनेशन सही बैठाने लगी है, भारतीय टीम जो है अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करने लगी है और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस समय जबरदस्त फॉर्म में भी अब दिखने लगे हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन भारत पाकिस्तान का क्या इस बार आमने सामने जब होंगे दोनों तो फिर रिजल्ट बदलेगा? जी नहीं, रिजल्ट बदलेगा बट वो बदलेगा भारत की जीत में ही, कुछ और बड़े अंतर का, कुछ और बड़े अंतर से हम जीतेंगे इस बार। ये होगा हम, ये होगी हमारी जीत और यही अंतर बदलेगा वो परिणाम। जो फाइनल रिजल्ट है जो हार जीत का, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जीतेंगे तो हम ही। और उसके बाद फिर 11 तारीख को जो फाइनल होगा वो भी कमाल का होगा, चाहे जिससे भी हो। उम्मीद तो हम करेंगे कि आप ही आइए जरा एक बार फिर से, हम हैट्रिक लगा करके फिर उसका जश्न मनाने का मजा ही कुछ अलग होगा, और फिर हम चौका लगाएंगे एमसीजी में जाकर के। तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की टीम, आप भी आइए खेलिए और हमसे ही हारेंगे, और क्या दिक्कत है, हमसे पहले भी आप हारे हैं अभी भी हारेंगे, कोई परेशानी थोड़ी है। परेशानी उन लोगों को है जो पाकिस्तानी मीडिया में एक्सपर्ट बनकर बैठते हैं और उलझुल बातें करते रहते हैं, लेकिन उससे हमें कहां फर्क पड़ता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बस हम यही कहेंगे किंग कोहली है, द हिटमैन हमारे पास में है, फिट एंड सुपर हिट हार्दिक पांड्या हमारे पास में है, तो डरने की क्या बात है, हम तो जीतेंगे ही। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, भारत पाकिस्तान के तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं, और हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।